Hello students, this is Ajitpal Singh from Apollo Academy Sangrur, and today we will discuss about the next part of chapter motion of class 9th, in which we will discuss about relation of motion with time. हाँ जी बेटा, आपां कल गल कीती सी मोशन दी गल तां कीती सी आपां, पर आपां विद रिस्पैक्ट टू पोजिशन गल कीती सी, उह 'च आपां टाइम इनकलूड ही नहीं कीता सीगा। विद रिस्पैक्ट टू पोजिशन अपने कोल मोशन दीआं दो फंडामेंटल डेफिनेशनां क्लीयर होईआं सी, दो क्वांटिटीज़ क्लीयर होईआं सी। नंबर वन वाज डिस्टेंस एंड सैकेंड वाज डिसप्लेसमेंट। यह आपां कल क्लीयर कर चुके बेटा जी, डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट। अज आपां की करना, अज आपां मोशन दी एक होर क्वांटिटी जिहदे च डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट टाइम नाल किवें रिलेटड ने उहदे बारे गल करांगे। चलो आपां थोड़ा जिहा इमेजिनेशन शुरू करदे हां। मान लो मैं एक बॉडी हाँ, तो मैं आपदे स्कूटर ते चल रहा जां आपदे मोटरसाइकिल ते मैं जर्नी स्टार्ट कीती है। मैं अपने घर तो शुरू हो के बेटा अपने स्कूल तक जा रहा हाँ, ठीक है। तो मैनू जाते हुए एक पाथ मैं फॉलो करूँगा, ओबियसली मैं पाथ फॉलो करूँगा, तो स्कूल तक जाता हुआ मैं कोई डिस्टेंस फॉलो करूँगा, डिस्टेंस कवर करूँगा। और डिस्टेंस कवर कर मैनू हाफ आवर लगता गा, अद्धा घंटा लगता बेटा। तो जदों मैं घर वापस आना तो मैं वो डिस्टेंस तो मैं थोड़ा तेज़ आना गा, तो मैं वो डिस्टेंस कवर कर लेना 20 मिनटों के, ठीक है। तो जो मैं जाना उदो मैं सेम डिस्टेंस कवर करदा अद्धे घंटे के, तो जो मैं वापस आना मैं सेम डिस्टेंस कवर करदा 20 मिनटों के। की तुसी मैं दस सकते हो मैं किस टाइम तेजी नाल ड्राइव कर रहा गा? हाँ जी, ओबियसली जब मैं घर वापस आ रहा गा तो मैं तेजी नाल ड्राइव कर रहा। तेजी का मतलब फिर इत्थे की हो गया, मैं स्पीडली ड्राइव कर रहा गा, इहदा मतलब मैं स्पीड ज़्यादा रख रहा आपकी। तो इत्थों एक टर्म आउंदी आ स्पीड। स्पीड है कि स्पीड कहिंदा डिस्टेंस ते टाइम का रिलेशन, उन्हूं आपां स्पीड कह दिंदे आ। गति पंजाबी बेटा इनू गति कहिंदे ने, तेजी गति किन्नी तेज, ये शब्द स्पीड नाल रिलेटड ने। तो बेटा स्पीड की होगी तेजी, तेजी कहड़े दो फैक्टरां ते डिपेंड करूँ इन टर्म ऑफ मोशन? नंबर वन फैक्टर होगा हाउ मच डिस्टेंस कैन अ बॉडी ट्रैवल। नंबर टू जिहड़ा फैक्टर होगा वह होगा इन हाउ मच टाइम अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस। तो ये दो चीज़ा ने स्पीड नाल रिलेटड। जे मैं ज़्यादा तेज़ होऊंगा बेटा तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा, है ना। जे मेरी तेजी ज़्यादा होगी, जे मैं बहुत तेज़ भज रहा होऊंगा या फिर मैं बहुत तेज़ अपनी जिहड़ी वहीकल उहनू चला रहा होऊंगा तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा। इहदा मतलब पुत्र जी जिहड़ी स्पीड है वह डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस है। जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस मैं कवर करूँगा या फिर कोई भी बॉडी कवर करूगी उन्नी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। ओबियसली इसका कोई दो राय नहीं ना, जो आप तेजी नाल जाने तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। एक फैक्टर हो गया। हुण सैकेंड फैक्टर स्पीड का टाइम है। हुण आपदे दिमाग ते थोड़ा जिहा जोर पाओ तो मैनू ये दसो टाइम नाल स्पीड का डायरैक्ट रिलेशन हो सकता या इनवर्स रिलेशन हो सकता? दो एग्जाम्पल दिना मैं। डिस्टेंस आप कॉन्सटेंट रख लें, मतलब मैं इतों पटियाले जाना गा,
पटियाले का कुलबिल रास्ता आप कह दें 55 किलोमीटर संगरूर तो, चलो आप उक्का पुक्का मान लिया। हूँ बेटा 55 किलोमीटर एक बार तो मैं पहली बार जर्नी जब मैं जाना मैं उन्होंने कवर कर दाँगा 60 मिनट्स के, दूजी बार मैं उही चीज़ कवर कर दाँ 50 मिनट्स के, मैं ए दसो मैं कि जर्नी के तेज़ सीगा, कि जर्नी के मेरी स्पीड ज़्यादा सी। ऑब्वियसली सैकेंड जर्नी के जो मैं डिस्टेंस कवर किया सेम डिस्टेंस 50 मिनट्स के कवर किया, इरा मतलब जे मेरी स्पीड ज़्यादा तो जोड़ा टाइम है वह घट लग्या, तो जे स्पीड ज़्यादा तो टाइम घट लग्या, इरा मतलब इन्हें जी कि रिलेशन है, इन्हों के रिलेशन हैगा बेटा जी इनवर्स, इनवर्स का मतलब वन अपॉन टाइम। हूँ मैं इन्हों दोनों चीज़ों की कर रहा कंबाइन कर रहा, कंबाइन करन दा मतलब की हुंदा बेटा, कंबाइन करन दा मतलब फिजिक्स दे विच मल्टीप्लीकेशन हुंदा, तुसी मैथ मल्टीप्लाई करते हो ना, मैथ मल्टीप्लाई करके तुसी चीज़ों कंबाइन करते हो, उमी जदों आपां फिजिक्स की गल करते हैं तो जिहड़ा मल्टीप्लीकेशन आ उहदा फिजिकल अपीयरेंस कॉम्बीनेशन की हुंदी आ, तो यह कंबाइन करांगे आपां इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर दांगे, मल्टीप्लाई करके की आऊगा अपने कोल, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई अपने कोल करके आऊगा पुत्त स्पीड प्रपोर्शनैलिटी इदां ही रह जू डिस्टेंस इंटू वन बाय टाइम, तो स्पीड प्रपोर्शनल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ जी आ गई स्पीड प्रपोर्शनैलिटी हटा के मैं इक्वल टू लाना होंदा ते नाल मैं कोई कॉन्सटेंट के लाना होंदा ते ए कॉन्सटेंट के दी वैल्यू मैं मान ली वन, इत्थों स्पीड का फॉर्मूला मेरे को आ गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आप रट्टा तो नहीं मारिया फॉर्मूला, आप बनाया फॉर्मूला, आप जनरेट किया स्पीड का फॉर्मूला, किमें जनरेट किया ऑब्जरवेशन तो जनरेट किया भी जे स्पीड जा रहा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँ, डिस्टेंस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल, स्पीड जा रहा तो घट टाइम से डिस्टेंस कवर करूँ तो टाइम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल, हो गया आप जनरेट कर लिया। हुण इहदी डेफिनेशन लिख दिंदे आपां, नाउ वी विल ट्राई टू राइट द डेफिनेशन, आप फॉर्मूले तो डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, तो स्पीड की डेफिनेशन बेटा की बन रही है थोड़े हिसाब नाल, स्पीड स्पीड मे बी डिफाइन एज डिस्टेंस covered by a body per unit time। ये जिहड़ा पर यूनिट लाया ना ये मैं मैथमेटिकली किवें डिनोट कर सकता, जिहड़ी आ लाइन लाई है ना डिवीजन वाली, दिस मीनस पर यूनिट, जिथे भी तुसीं पर यूनिट लिखा पढ़ोगे तो जिहड़ा पर यूनिट तो पहला वाली चीज़ होगी मतलब डिस्टेंस वह होगी बेटा न्यूमिनेटर, तो जिहड़ी पर यूनिट तो बाद वाली चीज़ होगी वह होगी डिनोमीनेटर। ये सिंपल जहा है का भी जे तुसी डेफिनेशन तो फॉर्मूला बनाना गा, ठीक है, पर हाँ ये है का ये रट्टा, पर जिहड़ी चीज़ मैं इनकलकेट की थोड़े भी आप चीज़ों ऑब्जर्व करके आंसर कढ़ना गा, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो सेम जे मैं इत्थे विद रिस्पैक्ट टू टाइम लिखदा बेटा वह भी सेम चीज़ आ, विद रिस्पैक्ट टू टाइम उस भी यही हुंदा, जिहड़ी चीज़ विद रिस्पैक्ट तो पहला लिखी हुंदी आ जिहड़ी क्वांटिटी वह न्यूमीनेटर च जाऊगी, जिहड़ी क्वांटिटी विद रिस्पैक्ट टू तो बाद च लिखी जाऊ वह डिनोमीनेटर च जाऊगी, समझ आ गई बेटा, ठीक है जी। तो इत्थों यह फॉर्मूला बन गया, हुण आपां इहदी यूनिट की गल करते हैं, ये यूनिट्स की गल करते हैं, तो बेटा डिस्टेंस फंडामेंटल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस के जिहड़े एसआई यूनिट ने उन्हें मीटर
टाइम के जिहड़े एसआई यूनिट ने उन्हें सैकेंड, तो स्पीड के एसआई यूनिट की हो गए मीटर पर सैकेंड, और यू कैन से मीटर सैकेंड इनवर्स। ये कि स्पीड यूनिट हो गए पुत्र जी, स्पीड के यूनिट हो गए। चलो हुण स्पीड आ बेटा जिहड़ी, तुसी रियल लाइफ च स्पीड देखो, कदे मैनू जे मैं सड़क ते जावां किसी ते, घरों मैं बहुत हौली जिहा निकलना, फिर मैं दूजा गेयर पाउना स्कूटर दा, मोटरसाइकिल दा, गड्डी दा, थोड़ी तेज़ हो जाना, फिर मैं उदू बाद होर तीजा गेयर पाउना, फिर उदू थोड़ी तेज़ हो जाना, चौथा गेयर उदू ज़्यादा तेज़, पंजवा गेयर उदू ज़्यादा तेज़, ठीक है जी। तो पंज गेयर तो बाद कई बार मेरे सामने कुछ आ जाता, मैं ब्रेक मार दिना, फिर हौली हो जाता, फिर तेज़ हो जाता। यहाँ मतलब स्पीड कदे कॉन्सटेंट जी नहीं रही, रीयल लाइफ के, रीयल लाइफ के स्पीड कदे कॉन्सटेंट नहीं रही हैगी। तो ये हिसाब न स्पीड दियाँ भी कई किस्म हो सकती, की पता स्पीड कॉन्सटेंट ही रहे। जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं खाली रोड पर जा रहा, तो मैं जी आपकी स्पीड रखी हुई है मोटरसाइकिल की, वो 40 रखी हुई है, 40 किलोमीटर पर आर की रखी हुई है, मैं आराम ना बस उत्ती जा रहा, आराम ना देखता जा रहा आले दुआले, ना मैं बढ़ा रहा ना घटा रहा, तो वो एक कॉन्सटेंट स्पीड होगी। कॉन्सटेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड के टाइप्स ने बेटा, एक तो होगी यूनिफॉर्म, एक होगी बेटा नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्सटेंट जिहड़ी चेंज नहीं हुंदी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल जिहड़ी चेंज हुंदी रहिंदी है, कदे ब्रेक लाते, कदे स्पीड ज़्यादा बढ़ा ली, कदे ब्रेक लाते, कदे स्पीड ज़्यादा बढ़ा ली, कदे रुक गया, ठीक है। तो वो चीज़ सारी की हुंदी रहिंदी है, चेंज हुंदी रहिंदी है, तां वेरिएबल। एक हुंदी है बेटा एवरेज, एक सब तो इंपॉर्टेंट ते सब तो ज़्यादा देखी जा रहा तर देखी जाने वाली इंस्टंटेनियस, हल्का हल्का जहा आइडिया लैने। यूनिफॉर्म स्पीड समझ आ गई तुहानू, इको ही तरह की स्पीड है पूरी जर्नी के, मैं एको ही तरह की स्पीड फॉलो कर रहा, ठीक है, ना मैं बढ़ा रहा ना घटा रहा। नॉन यूनिफॉर्म मैं पता लग गया भी कदे बढ़ाती कदे घटाती, ठीक है जी, जिमें रीयल लाइफ के होंदा गा। एवरेज स्पीड की आप फिर गल करते हैं, इंस्टेंटेनियस की गल करते हैं। आप सब तो पहला इंस्टेंटेनियस का मतलब आ, जिमें तुसी मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, है ना, तुम देखते हो थोड़ा स्पीडोमीटर एक स्पीड दिखा रहा हों, उस स्पीडोमीटर आपकी सूई उपर नीचे उपर जाई जाता जाई जाता, फिर तुम ब्रेक आते हो लगत पिछे आ जाता, वो जी तुम उदों देख रहे होंगे हो ना, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो तुम स्पीड बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो तुम सारी जिंदगी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही देखते रहने हो। हुणी हुणी मैं बहुत तेज़ सीगा, मूहरे कुछ आ गया, मैं ब्रेक लाते, हुणी हुणी मेरी स्पीड बहुत घट गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब की हुंदा, इंस्टेंट का मतलब हुंदा टाइम का बहुत छोटा हिस्सा, एट एनी इंस्टेंट ही कैन अराइव, एट एनी इंस्टेंट दिस कैन हैपन। इंस्टेंट मतलब कदों भी स्पीड, जदों भी अपनी निगाह उत्ते पई वो वाली स्पीड, जदों भी निगाह अपनी स्पीडोमीटर पर पई वो जिहड़ी स्पीड की रीडिंग आपां दे रहा, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इहदा तुसीं पंजाबी च समझ गए सारियां चीज़ां। हुण एवरेज स्पीड की गल सुनो, हुण मैनू पता बेटा मैं संगरूर तो पटियाले जा रहा, तो मैं संगरूर तो पटियाले जांदा आंदा कई बार स्पीड वधाऊंगा भी, कई बार स्पीड घटाऊंगा भी, व्हाटसोएवर, ठीक है। पर मैं कुल मिल करके मैं की कीता बेटा जी, मैं 55 मिनटां च पटियाले पहुँच गया। मैं किन्ने मिनटां च पटियाले पहुँच गया? 55 मिनटां च पटियाले पहुँच गया, ठीक है। तो नहीं, ऐ करो 1 घंटे च पटियाले पहुँच गया,
चलो आप एग्जाम्पल लें एवरेज स्पीड समझाने लई। फिर आप इंग्लिश डेफिनेशन कह डिफाइन किमें करना वो गल फिर करा पहला समझ लो माइंड च बना आइडिया बना लो एक पॉइंट ए है कोई बेटा इतने पॉइंट बी है ठीक है जी इतने ना जेडे मैं यूनिट चूज करूँगा किलोमीटर पर आर दे करूँगा पर अपने कोल एक्चुअल यूनिट मीटर पर सैकंड दे होंदे ने ठीक है किलोमीटर पर आर दे मैं तां करूँ क्योंकि किलोमीटर पर आर बड़े यूनिट ने तां करके उन्होंने एक्सप्लेन करना सौखा है ठीक है पर एस आई यूनिट मीटर पर सैकंड दे ने तां इत्थे कन्फ्यूज ना होयो वी सर तुसीं तां उदों तां जर एवरेज स्पीड की गल कर रहे सी किलोमीटर पर आर की गल कर रहे सी ओ मैं आपदे कन्वीनियंस लई ते तुहाडे कन्वीनियंस लई तां कि तुहानूं छेती समझ आ जाए तां कर रहे हांगा ठीक है तां इत्थे गल करदे आं पुत्तर ए तो बी दे विच 55 किलोमीटर का फासला तो मैं ये फासला ए तो बी दे विच चल के एक घंटे च पूरा करता एक आर च पूरा करता तो मेरी जिहड़ी स्पीड हुई डिस्टेंस अपॉन टाइम ला के 55 किलोमीटर पर आर की स्पीड हुई पर की मैं सारे रास्ते 55 किलोमीटर पर स्पीड नाल ही चली गया नहीं मैं कदे वध भी होया हूँ कदे घट भी होया हूँगा क्यों ट्रैफिक है फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थों तो इत्थे तक आया जदों उदों मैं 80 किलोमीटर पर आर दी स्पीड ते जा रहा सीगा फिर इदू थोड़ा जिहा अगे गया फिर मैं की होया पुत मैं इत्थे दुबारा आ गया किन्ने दी स्पीड ते आ गया यू कैन से इतों इतने इन्ने दे विच विच मैं आ गया मेरी स्पीड घट गई मैं 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर रह गया इन्ने तो ये विच विच मैं फिर एक होर पॉइंट दे विच ठीक है इनू मैं मान लैना एक्स वाई जैड मैं होर स्पीड बढ़ा ली सी विच विच मैं 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड दे विच आ गया सीगा ठीक है इदू अगे फिर मैं की कीती स्पीड मेरी घट गई इत्थे फिर मैं 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड दे विच आ गया इत्थे फिर मैं जाके एक स्पीड की करती बढ़ गई इत्थे मैं आ गया बेटा जी 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड ते ते अगे जो मैं लास्ट ते पहुंचया वो 0 किलोमीटर पर आर सी क्योंकि मैं आके रुक गया इत्थों स्टार्टिंग भी की सी 0 किलोमीटर पर आर तां मैं कदे स्पीड बढ़ा ली कदे घटा ली कदे स्पीड बढ़ा ली कदे घटा ली पर इवेंचुअली एट द एंड मैं 55 किलोमीटर का रास्ता किन्ने टाइम च कवर कर गया एक घंटे च कवर कर गया इहदा मतलब मेरी पूरी जर्नी की जिहड़ी स्पीड आ पूरी जर्नी की 55 किलोमीटर पर आर आ गई चाहे मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ रही आ घट रही आ डजंट मैटर पर एट द एंड मेरे को रिजल्ट की आ रहा है सारे का एवरेज की आ रहा 55 किलोमीटर पर आर सारे का एवरेज की आ रहा 55 किलोमीटर पर आर जिवें थोड़े पेपर होंगे ने परसेंटेज कढ़ते हो ना तुसीं परसेंटेज की होंगी वो एवरेज होंगी मान लो तुसीं हिंदी चो लै ले 80 नंबर ठीक है हिंदी चो किन्ने नंबर लै ले तुसीं 80 नंबर लै ले ठीक है जी हिंदी चो 80 मैथ चो 100 इंग्लिश चो 75 पंजाबी चो 85 ठीक है ये 100-100 का पेपर सी सारा ये किन्ने हो गए बेटा टोटल अठारह 16 17 18 19 20 22 23 24 340 हो गए बेटा ये किन्ने चो हो गए 400 चो परसेंटेज कढ़ा मैं जेदी गुणा 100 ला के तां की आऊगा 340 बटा 4 4 5 20 4 6 7 4 28 8 4 32 85% आ गया 85% का मतलब आ गया ये एवरेज 85 आ गई यदि मतलब जे मैं
हरेक सब्जेक्ट चो 85 नंबर भी लेंदा, हिंदी चो भी किन्ने लेंदा बेटा 85, मैथ चो भी किन्ने लेंदा 85, इंग्लिश चो भी किन्ने लेंदा 85, पंजाबी चो भी किन्ने लेंदा 85, तो टोटल मेरा किन्ना आ जाना सी उही 340/400, ये एवरेज आ जाती। उही चीज़ आ गई ना, जे मैं 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चली जाता तो भी मैनू उही टाइम लगना सीगा, पर वो मैं चल नहीं सकता, वो मैं चल नहीं सकता रियल लाइफ के, मैं वो चीज़ कर नहीं सकता। तो जदों भी आप बेटा किसी जर्नी की गल करनी होंगी ना, आप हमेशा एवरेज स्पीड की गल करते हैं, आप हमेशा किन्ने स्पीड की गल करते हैं, एवरेज स्पीड की गल करते हैं, भी यार तू ऐ करी, तू की करी भी तू ऐ ला के चल, भी जे तू 55 किलोमीटर की स्पीड पर भी चलाई गया ना, ठीक है, तो भी तू 1 घंटे उत्थे पहुँच जाएगा, तो भी तू 1 घंटे पटियाले पहुँच जाएगा। हुण वह 55 किलोमीटर की स्पीड लगातार तो तू चल नहीं सकती, कदे वधू कदे घटू, मतलब वह कि स्पीड जाऊगा, नॉन यूनीफॉर्म स्पीड जाऊगा, पर नॉन यूनीफॉर्म स्पीड नू जदों आपां एक ही मतलब स्पीड नाल डिफाइन करना हुंदा गा, ठीक है, वध गया घट गया वध गया घट गया, उन्हूं जदों आपां एक स्पीड देनी हुंदी तां आपां एवरेज स्पीड की गल करदे आं, तां आपां कि स्पीड की गल करदे आं, एवरेज स्पीड की गल करदे आं। तां एवरेज स्पीड की हुंदा, एवरेज स्पीड बेसिकली जिन्नी बार भी थोड़ी स्पीड चेंज हुई आ उन्ना सारयां दा एवरेज कढ के एक स्पीड आ जांदी आ। जे मैं उस स्पीड नाल पूरी जर्नी कवर करता तां वी मैनू उन्ना ही टाइम लगता, बस उन्हूं आपां एवरेज स्पीड कहने आ, ठीक है जी। तो हुण आपां इन्हां दी ना डेफिनेशन लिखते हैं इंग्लिश दे विच, चीज़ां कंसैप्ट तुहानूं समझ आ गया, इंग्लिश दे विच लिखना शुरू करते हैं। यूनीफॉर्म स्पीड, तो बेटा यूनीफॉर्म स्पीड कॉपी कढ लो, लै आओ कॉपी, आपां लिखते हैं डेफिनेशन। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में बी डिफाइंड एज व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आ वो 1 सैकेंड के 1 मीटर कवर करती है, 1 सैकेंड के 1 मीटर कवर करती है, तो अगले सैकेंड के भी वह एको ही करूँ तो 2 मीटर ही कवर करूँ, दूजे सैकेंड के तीजे सैकेंड के भी वह 1 मीटर ही कवर करूगी, चौथे सैकेंड के भी वह 1 मीटर ही कवर करूगी, तो उन्होंने आप कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, नाल एक लाइन और लिखो, हाउ सो एवर स्मॉल दोज इंटरवल्स मे बी, पता की कह रहा, कहना चाहे वह टाइम इंटरवल तुसी किन्ने मर्जी समान ले लो, फिर भी ओह टाइम दे विच इक्वल डिस्टेंस उन्हें कवर करना गा, तो आप कहेंगे भी स्पीड है जी यूनिफॉर्म स्पीड आ। ठीक है, तो ये दिता होगा थोड़ा न्यूमेरिकल्स दे विच कि वह यूनिफॉर्म स्पीड नाल मूव कर रही है, वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाल मूव कर रही है, ज़्यादातर सारिया चीज़ा आप न्यूमेरिकल्स पढ़ा वह यूनिफॉर्म स्पीड नाल ही मूव करनगियां। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी, हुण आपां गल करदे आं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। लिखो बेटा डेफिनेशन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बी डिफाइंड एज द स्पीड इन विच अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डिस्टेंस भी अनइक्वल है, टाइम इंटरवल भी भावें अनइक्वल रख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिमें कि मैं चलिया 1 सैकेंड के मैं पहला 1 मीटर कवर किया, अगले 1 सैकेंड के मैं 3 मीटर पर पहुँच गया, मतलब मैं 2 मीटर कवर कर लिया, अगले 1 सैकेंड के मैं बेटा 6 मीटर पर पहुँच गया, मतलब मैं 3 मीटर कवर कर लिया। यहाँ मतलब पहला मैं 1 सैकेंड के 1 मीटर कवर किया, फिर मैं 1 सैकेंड के 2 मीटर कवर किए,
फिर मैं एक सैकेंड के 3 मीटर कवर किए, मेरी जी स्पीड आ यूनीफॉर्म तो नहीं हैगी, एक सार तो नहीं हैगी, अलग अलग है ना, दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनीफॉर्म स्पीड, दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनीफॉर्म स्पीड। ठीक है जी, नैक्सट आ गई अपने को एवरेज स्पीड। हूँ एवरेज स्पीड मैं थोनों की कहा भी पूरी जर्नी की स्पीड देखनी है, आपां एक स्पीड देखनी है पूरी जर्नी की, चाहे उस जर्नी के आपां अलग अलग स्पीडा ते गया पर सारी जर्नी की एवरेज ला के एक स्पीड किन्नी आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो यदि आप डेफिनेशन लिखांगे, एवरेज स्पीड मे बी डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड मे बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। कहना सारा डिस्टेंस किन्ना कवर किया, सारा टाइम उन्हूं किन्ना लग्या, उन्हां दोनों नूं जदों आपां स्पीड वाले फार्मूले च पुट करांगे तो अपने कोल आंसर आऊ एवरेज स्पीड का। ठीक है जी, यूनिट सारे दे ओही ने मीटर पर सैकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की होगी फिर, इंस्टेंटेनियस स्पीड मे बी डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ वहीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज यूजली डिनोटेड बाय किलोमीटर पर आर। ये मीटर पर सैकेंड च नहीं करते आप, किलोमीटर पर आर च करते हैं जी वहीकल्स से होंगी। ठीक है जी, एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ आ, इन रियल लाइफ वी ओनली डील्स विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स, आप यूनिफॉर्म स्पीड की गल नहीं करते, आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की गल करते हैं रियल लाइफ के। ठीक है बेटा, तो ये अपना स्पीड का सारा कंसैप्ट हो गया। सेम चीज़ वेलोसिटी है, बस वेलोसिटी की है जिथे स्पीड दे विच मैं डिस्टेंस लिखा ना उत्थे वेलोसिटी मैं की लिखूँगा डिसप्लेसमेंट लिखूँगा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी आ ते वेलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी, इन्हें च आही फर्क है और कोई फर्क नहीं है बेटा। तो जिन्निया टाइप्स स्पीड दिया ने उन्निया टाइप्स ही किदिया ने वेलोसिटी दिया ने, जिथे जिथे मैं डिस्टेंस लिखा सी स्पीड दे विच उत्थे उत्थे मैं डिसप्लेसमेंट नाल जे की करदा इन्हां नूं इंटरचेंज करदा तो मेरे को वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, दोनों नूं डोनेशन सेम है, स्पीड भी वी नाल कीती जाती है, वेलोसिटी भी वी नाल कीती जाती है, एवरेज स्पीड वी ए वी नाल ते एवरेज वेलोसिटी भी वी ए वी नाल डिनोट कीती जाती है। ठीक है, ठीक है जी, तो वी कोई भी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस एंड टाइम इज डिनोटेड बाय टी। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी दी डेफिनेशन तुसी आप लिखनिया ने, अदरवाइज मैं नोट तो थोनों करूँगा ही, नोट्स तो प्रोवाइड, तो उहदे विच्चों तुसी आप ही उन्हों कर लेना गा। ठीक है जी, तो कल आप इस टॉपिक दे की करांगे न्यूमेरिकल्स करांगे। एक चीज़ कन्फ्यूज ना होयो, एक मैं ना एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला U प्लस वी बाय टू किया होगा उन्हें चो। ठीक है, एवरेज का वी एवरेज का, पर बेटा ये जी चीज़ है ना ये कितने पॉसीबल है कितने इंपॉसीबल है यदि गल आप जब न्यूमेरिकल कढ़ांगे उदों गल करांगे। ठीक है, तुसी वही चीज़ याद रखनी आ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इन अ जर्नी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है जी, सो बेटा थैंक यू for your attention, that's it.